in, let me in, yeah. तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल पोके अल्ट्राडी। तो गाइस, जो आप मेरे पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बनाना सिखाने वाला हूं। एंड इस वीडियो में आप कुछ दो इस टाइप के बैकग्राउंड बनाना सीख सकते हो। एंड इस वीडियो को आप देखने के बाद बोलोगे मजा आया। अल्ट्राडी भूल मत, मैंने इधर को ये बैकग्राउंड बनाना सिखाया है। हां गाइस, शैडो ने मुझे सिखाया है, तो क्रेडिट गोज टू शैडो। सिर्फ क्रेडिट देने से बात नहीं बनेगी, अगले आने वाली 10 वीडियो तक मैं वॉइस ओवर करूंगा। अरे तू जा रही। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुम इसे लाइक कर दो, क्योंकि इसे बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है। एंड आज का लाइक एम है पूरे के पूरे 45 लाइक्स का। एंड अगर तुम ये लाइक एम कंप्लीट कर देते हो तो मैं तुम्हें अपने जैसी एडिटिंग भी सिखाऊंगा। और ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो अब बिना किसी टाइम पास के चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तुम्हें अपने काइन मास्टर ऐप में आ जाना है। एंड जिस म्यूटू वाली इमेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तुम्हें इसे वहां पे इंपोर्ट कर लेना है। एंड अब तुम्हें इसे 30 सेकंड्स तक बड़ा कर लेना है। एंड अब तुम्हें लेयर्स में जाकर फायर पार्टिकल वाली वीडियो को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। एंड इसको फुल साइज का कर देना है। और अब तुम इन दोनों को अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना। अब तुम्हें फायर पार्टिकल्स वाली वीडियो पर क्लिक करके कलर फिल्टर्स में जाना है। और तुम्हें कोल्ड में जाकर कोल्ड 2 वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। और फिर से तुम्हें उसी वीडियो पर क्लिक करना है और एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन में जाकर तुम्हें इसकी ह्यूई को कम कर देना है। तुम्हें इसे -49 या -50 तक कर देना है। अब तुम्हें फिर से इसी वीडियो पे क्लिक करके ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में जाकर स्क्रीन कर देना है। एंड अब तुम्हें लेयर्स में जा रहे हैं और जो मैंने चेन वाली पीएनजी दे रखी थी उसको तुम्हें यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। एंड अब तुम्हें फिर से कलर्स फिल्टर में जाना है एंड बेसिक वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। और सबसे लास्ट में जो B38 वाला ऑप्शन है तुम्हें उसको क्लिक कर लेना है, जिससे कि ये चेन रेड कलर की हो जाएगी। अब तुम्हें एडजस्टमेंट में जाना है और इसके ह्यूई को भी कम करके -38 तक का कर देना है। इसके साइज को तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो और बस फिर इसको तुम्हें कॉर्नर में लगा देना है। एंड अब जो लेफ्ट साइड में 3 डॉट्स दिख रहे हैं तुम्हें उस पर क्लिक करना है और डुप्लीकेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और इस वाली चेन को भी दूसरे कॉर्नर पर लगा देना है। एंड अब तुम इनको भी खींच के एंड तक ले जाना। एंड अब तुम्हारा बैकग्राउंड रेडी है और तुम यहाँ पर देख सकते हो काफी ज्यादा ऑसम भी दिख रहा है। अब बारी है सेकंड वाले बैकग्राउंड की। इसे बनाना फर्स्ट वाले से भी ज्यादा इजी है। सबसे पहले तुम्हें इस इमेज को इंपोर्ट कर लेना है एंड फिर उसे 30 सेकंड तक बड़ा कर लेना है। इसके बाद तुम्हें पैन एंड जूम वाले ऑप्शन पे जाना है एंड इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। फिर तुम्हें फायर पार्टिकल्स वाली वीडियो को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है एंड ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में जाना है। एंड अब तुम्हें ओवरले वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। एंड बस ये काफी ज्यादा सिंपल था और तुम्हारा बैकग्राउंड यहाँ पर रेडी हो चुका है और तुम यहाँ पर देख सकते हो काफी ज्यादा ऑसम लग रहा है। तो गाइस, यही थी हमारी वीडियो। एंड अगर वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर से कर देना। एंड लास्ट वीडियो के पोके क्विज विनर्स तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड ये रहा आज का पोके क्विज। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।